हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा मैथ में शॉर्टकट सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्टकट्स को पढ़ेंगे, तो जिससे हमारा इन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को करना आसान होगा और विद इन सम सेकेंड हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है जो कि 1500 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। तो हम मान लेते हैं एक एरोप्लेन ए है जो कि ग्राउंड से 1500 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, वो जो कि पास करता है किसी दूसरे प्लेन को, मान लीजिए उस प्लेन को बी, कुछ वक्त के बाद बी प्लेन को हमारा ए प्लेन पास करता है और इसी बार इन्होंने दे रखा है किसी स्टैंड और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल किसे कहते हैं जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ बनते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बनने वाले एंगल। तो यहाँ पर दे रखे हैं हमें एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों प्लेन्स के दे रखे हैं, सेम पॉइंट से दे रखे हैं जो के हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखा है सेम ऑब्जर्विंग पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं 60 और 30, क्योंकि एरोप्लेन ऊपर है तो इसका एंगल होगा ग्राउंड से 60 और नीचे वाले बी का होगा हमारा ग्राउंड से 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है, ये बताना है कि एंगल जो जो एरोप्लेन बी है वो एरोप्लेन ए से कितना नीचे है या एरोप्लेन ए बी से कितना ऊपर है, हमें ये बतानी है लेंथ ये कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे करने के दो तरीके हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है जिसमें हम अलग अलग तरीके लगा के, और दूसरा हमारा तरीका है शॉर्टकट मेथड जिसको हम आज इसको शॉर्टकट से सिंगल स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं, तो आइए देखते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्टकट की मदद से कैसे करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो ऊपर उड़ने वाली चीज़ होगी या ऊपर जिस क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे कि एरोप्लेन है, तो यहाँ पे जो ऊपर उड़ने वाला एरोप्लेन होगा उसकी हाइट को लिखते हैं h, उसको मान लेते हैं h, h टाइम्स 1 माइनस, एक में से घटा देते हैं छोटे एंगल को डिवाइडेड बाय बड़ा एंगल। तो हम लिखते हैं टेन ऑफ स्मॉलर एंगल डिवाइडेड बाय टेन ऑफ लार्जर एंगल। तो हम देखते हैं हाइट यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हाइट दे रखी है 1500, हम 1 माइनस यहाँ पे छोटा एंगल है हमारा 30, तो हम लिखते हैं टेन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ 60। जल्दी से हम यहाँ से हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर हम लिखें यहाँ पे 1500, 1 माइनस टेन 30 इज़ 1/√3 और टेन 60 इज़ 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं तो 1500 1 माइनस ये √3 यहाँ पर जाएगा तो √3 × √3 विच इज़ इक्वल टू 3 होल 3। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1500 × 1 माइनस 1/√3 होता है हमारा 3 × 3 − 1 = 2 यानी 2/3। इसको कट करते हैं तो हमारा जाएगा 500 × 2 यानी हमारा हो गया 1000 मीटर, यानी जो हमारा एरोप्लेन ए है एरोप्लेन बी से 1000 मीटर ऊँचा उड़ रहा है, या जो हमारा एरोप्लेन बी है वो ए से 1000 मीटर नीचे है। तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा ए, फर्स्ट आंसर। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हम एरोप्लेन वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, आगे आपको कंपटीशन में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि दो बर्ड्स हैं तो हो सकता है हमें यहाँ पे दो बर्ड्स दे दी जाएँ, ठीक है, एरोप्लेन के बदले, या हो सकता है हमें एक एरोप्लेन और एक बर्ड्स दे दी जाए। तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें दो चीज़ें उड़ रही हैं और उन दोनों चीज़ों उड़ती हुई चीज़ों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस बताना है तो हम इजीली इसको इस शॉर्टकट को आजमा सकते हैं। इतने लंबे हमारा मेथड को छोड़ के कितने ईजी हमारा शॉर्टकट है जिसमें हम ऊपर उड़ने वाली चीज़ जो भी हो उसकी हाइट लेनी है, उसमें बाद 1 में से घटा देना है छोटा एंगल डिवाइड बाय बड़ा एंगल। तो यहाँ पे हमने करा है, तो ये हमारा शॉर्टकट था जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। हो सकता है जो क्वेश्चन के लिए हमें टाइम दिया गया है हम उससे भी इसको पहले करके और क्वेश्चन में उस टाइम को लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।